अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी कि जिसके अंदर मैंने बताया है कि 10,000 और 7,500 रुपये का लैपटॉप आप लोगों ने किन स्पेसिफिकेशन को देखते हुए खरीदना है, तो ये वीडियो जाके लास्ट भी देखिएगा। हार्ड डिस्क डबल हार्ड लगा हुआ, ठीक है, एक में 250 नीचे खाली है, ठीक है, डबल हार्ड डिस्क। और इसमें रैम वाला भी दिखाओ ना। ये रैम है ना, ये को दो 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 छह रैम हो गया, ठीक है, ये हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। प्रोसेसर देखो, चार प्रोसेसर लगे हुए, 1, 2, 3, 4, ये बहुत हाई मशीन है। की बोर्ड में लाइट भी, मैं ठीक है, लाइटिंग की बोर्ड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप दूसरों की तरह धोखे से बच सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने पूरी वीडियो अच्छी तरह देखनी है ताकि जिन जिन स्पेसिफिक इनका बताया गया ताकि वो भी आप जेन नशीन रख लें। और कुछ लोगों ने एड्रेस का पूछा हुआ था तो वो मैं बता देता हूँ आपको। जी ये संडे बाजार है हाल रोड का, और ये यहाँ पे हाल रोड की सारी मार्केट है। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके बाहर निकल के ये अंदर है ऐसा, तो अगर आप बाहर होगे यहाँ पे देखते हो लेफ्ट साइड पे, ये रास्ता आ रहा है वहाँ से स्टेशन की तरफ से, लक्ष्मी चौक की तरफ से, और यहाँ पे आपको ये ऑरेंज ट्रेन का जो है ना वो स्टेशन नज़र आ रहा है। यहाँ ये यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाती है, और यहाँ से अगर आप लोग देते हो तो ये सीधा आप लोगों को लेके जाएगा हाई कोर्ट की तरफ रास्ता, और ये आप लोगों को लेके जाएगा मी हॉस्पिटल की तरफ रास्ता। तो आप लोग आना चाहें तो यहाँ से आके किसी से भी पूछ लें, तो आप यहाँ से सीधा अंदर मार्केट के अंदर आके यहाँ से आगे शुरू हो जाता है, आगे सारे लैपटॉप लगे हुए हैं, आप लोगों को किसी भी स्टॉल से आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कंप्यूटर और लैपटॉप की सीरीज़ के अंदर आप लोगों को अगेन खुश आमदी। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक शशके के लिए लैपटॉप लेना है, नॉर्मल यूज़ के लिए लैपटॉप लेना है, तो फिर आप लोगों को कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा और किस किस प्राइस के ऊपर यहाँ पर मिलेगा। आम शॉप के ऊपर जाएंगे तो वो एक उसकी एक अलग प्राइस होती है, यहाँ पर हाल रोड के अंदर जो है आप लोगों को यहाँ पर संडे बाज़ार इस वक्त देखने को मिल रहा है, यहाँ पर उसकी प्राइसेज जो है ना नॉर्मली उनसे कम होती हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन भी बाकियों से अलग होती है। अब मैंने जो पिछला कवर किया था वो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन का था कि आप लोग एक नॉर्मल यूज़ के लिए जो है ना आप लोग लैपटॉप जो है ना वो लेना चाहें तो वो आपको किस स्पेसिफिकेशन में मिलेगा, किस प्राइस में मिलेगा। अभी जो मैं फोकस करने के लिए जा रहा हूँ वो है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देखा, कि अगर आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर आप लोगों ने लैपटॉप जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, तो फिर आप लोगों को कौन सी स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप चाहिए। तो ये इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन के लैपटॉप जो है ना आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो लैपटॉप आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, आप सब सारी सीरीज़ जो है ना आप लोगों को नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर ये वाले जो लैपटॉप आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये हल्के वाले लैपटॉप हैं, आप लोगों ने इनकी तरफ फोकस नहीं करना, ठीक है। और ये वाले जो लैपटॉप आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसके अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ दो लैपटॉप्स की तरफ फोकस करवाऊंगा, एक आप लोगों के पास ये वाला लैपटॉप है और एक आप लोगों के पास ये वाला लैपटॉप है, दोनों वाइड स्क्रीन के अंदर हैं। और दूसरी बात आप लोगों को ये दिखाऊं, इसके अंदर आप लोगों को अल्फा और न्यूमेरिक दोनों कीबोर्ड जो है ना कीपैड मिल जाते हैं, जो आप लोगों के लिए आसानी होती है। कई लोग जो कहते हैं यार हम लोग ऊपर वाला न्यूमेरिक कीपैड जो है ना वो यूज़ करने से जो है ना वो आ रही हैं, हम लोगों तंग करते होते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला आप लोगों को। और इसकी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन अगर आप लोगों को मैं अभी दिखाऊं, तो इस लैपटॉप के अंदर दोनों के अंदर क्या है, ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए हैं, और किसी के अंदर 2 GB का ग्राफिक कार्ड है और किसी के अंदर 3 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये और ये वाले लैपटॉप की बात। अगर इसको करीब से फोकस करें लैपटॉप को, तो आप लोगों को ही नज़र आएगा कि इसका पूरा कीबोर्ड कितना बड़ा सा है और स्क्रीन भी उसकी वाइड है, मैक्सिमम मेरे ख्याल में ये 17 इंच की होगी, ठीक है, और 7 वाली 15 इंच की है, एंड सो ऑन सारा। तो ये लैपटॉप के अंदर आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन आप लोगों को मैं बता दूँ इसके अंदर, तो स्पेसिफिकेशन बताने के लिए जो है ना वो मैं इनसे जो यहाँ पे इस वक्त स्टॉल लगा के बैठे हुए इनसे स्पेसिफिकेशन पूछता हूँ। तो भैया ये वाला जो लैपटॉप मैंने देखा है इसकी स्पेसिफिकेशन बताएं जरा क्या है। इसके अंदर 4 GB रैम है, ठीक है, और 2.93 2.94 डबल प्रोसेसर है, 2 GB ग्राफिक कार्ड है, 2 हार्ड लगते हैं, 4 रिमो के मैंने जो इसके अंदर देखा है ना वो 3000 समथिंग, मेरे ख्याल में 3 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ, क्या 2 GB का? नहीं, 2 GB ग्राफिक कार्ड लगा होता है, ग्राफिक कार्ड 2 GB है, ठीक है, इसमें से 4 GB वाला ग्राफिक कार्ड वाला भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन आपने बताई है इसके अंदर वो ये है, 4 GB है, 4 GB रैम है, 250 GB हार्ड है और 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, और जो इसके अंदर वो दूसरे आपने मुझे पहले भी बताया
इसके प्रोसेसर कौन सा है? 2.93 2.94 ठीक है। और ये कौन सा है? डेल के अंदर ही है, ये डेल के अंदर है ठीक है। कीबोर्ड लाइटिंग है, ये कोटूटू में है लेकिन ये ग्राफिक वाला है, ग्राफिक वाला ठीक है, ये वर्क स्टेशन वाला है। इसमें से अभी एक दूसरा पड़ा हुआ है वो भी 2 GB 250 GB है, वो इन लोगों के लिए मिलेगा 9,500 का। ये वाला ग्राफिक के तौर के ऊपर, ये वर्क स्टेशन वाला है, ये फाइनल 16,500 रुपए से कम नहीं मिलते, 16,500 नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसके अंदर जो उन्होंने मुझे बताई है कि हार्ड जो है आप इसके अंदर डबल हार्ड भी अटैच कर सकते, इसके अंदर दो हार्डों के जगह है ना, एक मिसाल तौर के ऊपर जो तुम्हारा डेटा है, एक वर्किंग का डेटा होता है, एक काम वाले होता है ना, वो मिसाल तौर के ऊपर आपके ऊपर डिवेलप करता है। जिस तरह यानी जिसमें हम लोग काम डाटा सेव कर सकते हैं, एक पे हम लोग विंडो भी होती है तो वो अलग से कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल अलग से कर दो इस्तेमाल बिल्कुल। और इसके अंदर रैम की स्लॉट्स मुझे जो उन्होंने बताई गई है वो 4 मेरे ख्याल जी 4 रिमो के स्लॉट है ठीक है। ये 100 में से 2 पीसद आता है बिल्कुल ऐसे जी बिल्कुल, ये वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन जी हाँ जी, ये सारे कमांडो लोग यूज करते हैं। ओके जी सर, अब जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाकई ही मैंने भी बहुत कम ऐसे लैपटॉप देखे हैं कि जिसके अंदर आप लोगों को 4 स्लॉट्स नजर आ रही हो। अब इसके अंदर ये 4 GB का एक मॉड्यूल लगा हुआ है या दो यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों ने ये भी मद्देनजर रखा है कि जो रैम लगी हुई है 2 GB की स्लॉट की लगी हुई है, स्लॉट के अंदर लगी हुई, यानी 2 GB का मॉड्यूल है या 4 GB का मॉड्यूल है। मॉड्यूल से मुराद है जो स्टिक होती है, एक रैम 2 GB की है या 4 GB की है। अब इसके अंदर उन्होंने बताया कि 4 स्लॉट्स लगी हुई है। अब इसमें 4 GB 4 GB 4 GB 16 GB तक जाना उसके मॉड्यूल तक उसको मजीद इंक्रीज करके लेके जा सकते हो। ये मेरे ख्याल में ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेहतरीन रहेगा, वीडियो एडिटिंग के लिए भी बेहतरीन रहेगा। और इसकी प्राइस जो आप लोगों ने हाँ कितनी बताई है? 16,500 रुपये 16,500 फाइनल है इसका। और दूसरा जो आपने बताया जिसके अंदर 6 GB लगी हुई है? नहीं, उसके अंदर 8 GB रिम होता है, 4 GB ग्राफिक होता है। अच्छा। ठीक है ना, वो फाइनल मिलेगा 22,000 रुपये 22,000 रुपये का वापस फाइनल रेट है, फाइनल रेट होगा जी सर। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाना था कि आप लोगों को इसके अंदर जो मैंने बताया 4 GB रैम लगी हुई है, 250 GB हार्ड लगी हुई है और 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जो उन्होंने बताया कि वर्क स्टेशन के तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो इसमें आम बंदा जो है ना जो शशके के लिए इस्तेमाल नहीं करता, इसमें आप लोग बहुत से पर्पस के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनल प्राइस इन्होंने 16,000 रुपये की, 16,500 रुपये इन्होंने बताया। और दूसरा जो इन्होंने सिस्टम बताया जिसके अंदर जो है वो आपको 8 GB रैम लगी हुई है, 8 GB रैम 4 GB ग्राफिक कार्ड लगा होता है, वो 22,000 रुपये वो 22,000 चार्जर समेत 23,000 रुपये चार्जर समेत। और ये इसके साथ चार्जर नहीं है? ये चार्जर समेत 17,000 रुपये वो चार्जर डाल के कितने का पड़ेगा? 17,000 रुपये का ये वाला नहीं, वो वाला दूसरा जो 22,000 का आपने बताया, वो उसके साथ 23,000 रुपये का। और चार्जर इसका जो है वो ब्रांडेड होगा, ब्रांडेड होगा, लाट वाला होगा। तो ये चीजें आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है जब भी आप लोगों ने लैपटॉप लेने के लिए आला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके अंदर भी ग्राफिक डिजाइनिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो तो आप लोगों को सारी समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को इसके अंदर मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।